ले, अभी हम कपड़े चेंज कर ले, हम जा रहे हैं, बहुत टायर्ड हो गए थे रात को। नहीं नहीं वो तो पता नहीं क्या, बहुत ठंड है। ये हमारे होटल के सामने हॉलिडे इन एक्सप्रेस, और अच्छा व्यू कितना खूबसूरत है सुबह का, वाओ। आजो बेटा, मेरे बाल लंबे बहुत है ना। हाँ, हाय गुड मॉर्निंग। चलो जी, इनका नाश्ता देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, ये सीरियल्स हैं इसमें, ओ इसमें ओट्स है, ओरिज है। हाँ, बनाना चिप्स है इसमें, आप अपने वेफल्स बना सकते हैं। कॉफ़ी का बूट है, और ये सारे बेगल्स। हाँ जी, कैन वी गो मैकडॉनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स है नो। ये सारी चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप टोस्ट कर सकते हैं, ये प्लेट्स वगैरह है। और इन्होंने ना आई थिंक ये, हाँ ये इन्होंने एग्स के, हाँ पैटी बना के ना स्क्रैम्बल एग के ये रखे हुए। ये तो सॉसेज हम नहीं खाते, सुने ये वो एग की पैटीज बनाए हुए। ये मज़ेदार है, ये एग वाइट है, स्पिनच और रिकोटा कवकेश है, और वहाँ बोले हैं, और ये स्क्रैम्बल एग है। तो अभी हम नाश्ता करते हैं। अनीशा, आपको जूस चाहिए? जूस चाहिए? लो जी, ये है इनका जिम एरिया, और अनीशा ने इसमें आते 500 किलो वाले डंबल उठा लिए हैं। कंपटीशन सख्त है। ये हम लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दो चेयर्स हैं, मैं ज़रा ये रखती हूँ जब। अच्छा हाँ, लॉन्ड्री भी है यार, ये भी सही है। तो ये है लॉन्ड्री, यहाँ पे इन्होंने ये लॉन्ड्री सॉप रखा हुआ है, और आप इसमें जो है अपने क्वाइंस डालते हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया है बैठने के लिए, और स्विमिंग पूल भी है, उधर झाड़ियाँ भी हैं। तो हमारा चेकआउट हो गया यहाँ से, और हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ, जो यहाँ से कितने घंटे की ड्राइव है? 2 hours की, राइट? 2 hours जी। चले चलते, रात बहुत देर हो गई थी ना, जब तो हम लोग रुके थे। नहीं, हमसे ड्राइव ही नहीं थी, और हम थक गए थे इतना ज्यादा। बाबा गैस है जी, ये आ गया जी नायग्रा फॉल्स पूरा। चलो जी, ये आ गया क्लिफ्टन हिल। मैट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या दुनिया जानता, सामान तो नहीं है। ये आ गया नायग्रा, ये जो जगह है ना पूरी, इसको क्लिफ्टन हिल बोलते हैं, आई बिलीव है ना, वही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गेमिंग और ये बहुत सब है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि हमारी बुकिंग है यहाँ पे, चेक इन 4 बजे होता है, लेकिन हमने जाके उनसे बुकिंग कंफर्म करनी है, अपनी कंफर्म नहीं, री कंफर्म करनी है। आई थिंक ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये हमारा होटल है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। चलो,
तो ये हमारा रूम नंबर है, मैं आपको दिखाती हूँ, 4855। बहुत ऊपर टॉप पे हमने लिया क्योंकि हमें फॉल देख ली थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमरा है। एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, लेकिन जब वेकेशंस पे आते हैं तो होता है। तकरीबन हमें ये कमरा पड़ा है $550 के अंदर, क्योंकि हमने फॉल्स व्यू लिया है। तो मेरे हस्बैंड जो है अभी सामान उतार रहे हैं ताकि ये ले जाएं ऊपर, फिर मैं आपको रूम टूर करा दूँ। I like your purse. मैंने बनाई। There's a Starbucks here, elevators. एस्केलेटर्स, सब कुछ मिल जाएगा। ये गिफ्ट शॉप है हमारा, नॉर्थ टावर में है आई बिलीव, और ये मिड टावर है हमारा अभी। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये शॉप्स बनेंगी यहाँ पे, और फाद ने देख भी ली है। एंड दिस इज़ अ रेस्टोरेंट इनसाइड, इटालियन रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर। और बेटा महंगा है होटल है ना, तो फैंसी ही होगा और क्या। ओ या बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट। सो ये आ गई है लिफ्ट, और ये फाद का स्पाइडरमैन का बैग। हाय फादर, हाँ हाँ पीछे होइए, बस लिफ्ट आ गई है ऑलमोस्ट। तो ये सारे लेवल्स हैं, 49, 50, 51 फ्लोर्स हैं इसके ऊपर। सिटी व्यू है जी सारा। हम कितने ऊंचे फ्लोर पे हैं, हमारी खुदा है। नीचे 48 फ्लोर है, 48 ऑलमोस्ट। हम पूरा ओंटारियो देख रहे हैं यहाँ से, है ना। हमारा 48 फ्लोर है। ओह माय गॉडनेस, या यू गो फॉलो हिम, एंड राइट ओके। कीज़ दे जी, चाबी। ये हमारा रूम नंबर है। तो जी अब हम ओपन करते हैं, एक हो गया, बिस्मिल्लाह। हेलो, ये है जी हमारा रूम। हमारे पास है 3 बेडरूम, 1 किंग है और 2 क्वीन है। हम आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट बेडरूम है हमारे रूम में आते ही। माशाल्लाह बहुत बड़ा कमरा है। यहाँ से एंटर होते ही मेरे राइट साइड के ऊपर ये एक एरिया बना हुआ है छोटा सा, जिस पे आप चीज़ें रख सकते हैं। इस पे भी हमने अपना सामान रखा है, इस पे कॉफ़ी मेकर वगैरह, ये सारे कंडीमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। नीचे ड्रॉर्स हैं, इसके अंदर फ्रिज है। आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग इन इट, नहीं फ्रिज खाली है। और इसके बाद जो है, ओके डू इट, ये तो है, ओके ओके। तो इस तरफ वॉशरूम है बहुत बड़ा, ये जकूजी लगी हुई है। उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज फादर इज़ यूजिंग बाथरूम राइट नाउ। ये शीशा है सामने, और अब आ जाता है, ये बीच में पार्टीशन है, दरवाज़ा है। और अब आ जाता है जी ये बच्चों का कमरा। ये एक्चुअली 2 किंग है राइट अलीशा, 2 किंग बेड है। ये बच्चों का है बेडरूम हो गया, नहीं ये स्वीट रूम बना हुआ है, वो बेडरूम है पूरा। ये आई एम कमिंग, या और ये सामने जो है शीशा है। और ये है जी व्यू फॉल का, देखें ज़रा आप, इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और ये वो अमेरिकन साइड है फॉल की, जिसे ब्राइड्स आई थिंक कुछ कहते हैं साइड,
इसको ब्राइट व्हील साइड, और ये कैनेडियन साइड है नायग्रा फॉल की, ये आप देखें। लास्ट टाइम हम लोग मैरियट में ठहरे थे, लेकिन हिल्टन ने मैरियट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई एम इन लव विद इट, राइट अलीशा? यस। और ये देखें, ये नीचे सारा कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, जो जो देखें माशाल्लाह बोलते जाएं प्लीज। और अब जो है ये देखें, आप हम ठहरे हैं ये हिल्टन में, और सामने माशाल्लाह है। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और फिर हम जो है वी आर एट शेल्बीज शर्मा, अभी अंदर चल के, हाँ कैनेडा में ऑब्वियसली, अभी अंदर चल के देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। Ontario. और यहाँ पे है जी ये विकेट चिकन, इसका नाम बड़ा जबरदस्त है, विकेट चिकन जी, चलाक कुकड़। ये शेल्बी जी, वो शेल्बी Ontario कनाडा या अपनी गाड़ी भी ऑरेंज रखी हुई है, वो देखो पीछे सब कुछ ऑरेंज ही है, फुल जा रही है। ये आ गया शेल्बीज, हाँ मिल गई पार्किंग, शुक्र है। आज मौसम भी अच्छा है यहाँ कनाडा में, 79 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, अच्छी खासी गर्मी है। बोलो बेटा, ये है जी नायग्रा फॉल्स Ontario, ओपन करिए बेटा। ओके, सो दिस इज देयर अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा था कि हमने भी डिफरेंट टिकटॉक्स और यूट्यूब की रील्स देख के सोचा कि हम शेल्बी के रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ जाके खाना एंजॉय करते हैं। जब इतनी ज़्यादा हाइप हो किसी चीज़ की तो एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता ही है। हम इनके एक बहुत ही छोटे मीडियम साइज़ के कह लें रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ पे इनका पूरा वही शेल्बी की पिक्चर्स और ये वो ना ऐसे बनाए हुए थे फिगर्स। इट वॉज मतलब एम्बियंस वॉज गुड, लाइक जैसे नॉर्मल खाने की जगहों का होता है। खाना कोई इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था कि आप कहें कि जी यहाँ मज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा हाइप्ड है शेल्बी का, मुझे खाने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। इनकी जो तहीन थी उसमें कड़वाहट थी, मतलब जब आप फूड खा रहे थे तो उस तहीन की वजह से कड़वापन आ रहा था उसमें, मुझे नहीं पता उसमें क्या था ऐसा, वरना हमने तो बहुत मिडल ईस्टर्न खाने खाए हैं ऐसा नहीं होता है। ये जो मेरे हस्बैंड ने लिया था ये बिरयानी थी, और इसके साथ दो छोटे छोटे से समोसे थे, खट्टे से टेस्ट के थे, और लैम्ब बिरयानी थी ये, और इसमें कोई बिरयानी का टेस्ट नहीं था। सिंपल इन्होंने रंग डाल के जो चावल बॉईल किए हुए थे और ऊपर से ये चीज़ें डाली हुई थी, हल्का सा कोई बिरयानी मसाला होगा, मतलब कोई ख़ास ऐसा टेस्ट नहीं था। अलीशा और हबीबा ने लिए थे शवारमा रैप, और वो भी सोसो से, इतने कोई ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे कि बंदा के वो हो जी मज़ा आ गया, ऐसा नहीं था, नॉर्मल थे, ठीक थे। अच्छा, उसके बाद मैंने इनकी ली थी कैनेडियन पुटीन, जो सब मशहूर है कि कनाडा के लोग खाते हैं, तो इनकी मैंने वही देख के वीडियोस देख के, इसमें लैम्ब था, फ्राइज़ थे, और नहीं बीफ था, फ्राइज़ थे, और साथ में चीज़ थी। इट वाज आल्सो एवरेज, कोई इतना ख़ास नहीं था। ये समोसा मेरे हस्बैंड ने मुझे आधा दिया था, छोटा सा था बिल्कुल, मतलब एक समोसा दिया था, मटर और चाट मसाला और वो डाले हुए थे आलू, मतलब इतना नहीं था यार। सच्ची बात है, जितनी मशहूरी इस बंदे की हुई भी इतना ज़्यादा खाना अच्छा नहीं था। इसके अलावा हमने जो है ये पुटीन मंगाई थी, और एक और हमने शवारमा बॉल मंगाया था, और ये तो पुटीन मैं आपको दिखा रही हूँ, चीज़ थी, फ्राइज़ थे, और साथ बीफ डाला हुआ था, और बस सही था, मतलब नॉर्मल नॉर्मल था, इतना कोई ख़ास नहीं था। तो जिसको पसंद हो वो ज़रूर जाके ट्राई करे, जाहिर सी बात है हम देखते हैं वीडियोस चीज़ें तो बंदा कहता है कि जी जाके खाओ पियो। दूसरे शहर में गए हुए थे, ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ये मिलता नहीं है अमेरिका की साइड पर, तो फिर हमने कहा ट्राई करते। अच्छा, ये शवारमा बॉल था इनका, इसमें इन्होंने पिकल डाले हुए थे, टमाटर थे, और उसके साथ जो है ये राइस थे नीचे, और साथ वही बीफ था, लैम्ब था लैम्ब था आई थिंक, और ऊपर तहीन डाली हुई थी, और बस एवरेज था भाई, अपनी अपनी पसंद है, मुझे इतना को ख़ास पसंद नहीं आया। तो हमने ये खाना लिया था जो था तकरीबन हमारा $70-71 बना था बिल, लेकिन ये मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नायग्रा फॉल से इसके रेस्टोरेंट के मेरे ख्याल में
8-10 मिनट की ड्राइव है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अच्छा एक और बात, खाना इनका गर्म नहीं था, खाना इनका बिल्कुल लाइट गर्म था, यानी कि मज़ेदार जो गर्म खाना होता है वो नहीं था। और लैम सख्त था, बीफ भी सख्त था, चबाने में मुश्किल हो रही थी उसको, मतलब सॉफ्ट नहीं था, टेंडर नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, अगर कोई जाना चाहे तो ज़रूर जाए। तो ये था दोस्तों मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।